नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एडोब फोटोशॉप में एक्शन कैसे रिकॉर्ड करें, मतलब कि एडोब फोटोशॉप में एक्शन कैसे बनाया जाता है और फोटो को पासपोर्ट साइज में कैसे कन्वर्ट करके उसको हम कैसे वन क्लिक में 12 फोटो 6 फोटो कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ओपन कर लीजिएगा एडोब फोटोशॉप, और एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद में इस पर आप एक फ़ोटो ओपन कर लीजिएगा। और फोटो ओपन करने के लिए आप जाइएगा फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद में हाँ जस्ट न्यू के नीचे होगा ओपन, आपको ओपन पे प्रेस कर देना है या तो अपने कीबोर्ड का कंट्रोल ओ कर देना है तो भी ओपन वाला विंडो ओपन होके आ जाएगा। और ओपन पे प्रेस करने के बाद में आप फोटो जहाँ भी कहीं भी रखे हों उस फोटो को ओपन कर लीजिएगा। और फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन पे प्रेस कर दीजिएगा, ये फोटो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। और फोटो ओपन करने के बाद में इसको आप जो है क्लीन कर लीजिएगा फोटो, और क्लीन अगर करना नहीं आता है तो हमारे टैब में जो है वीडियो है उस वीडियो को देख लीजिएगा और फोटो को अपना क्लीन कर लीजिएगा। और फोटो क्लीन करने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है क्रॉप टूल्स, और क्रॉप टूल्स सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर विड्थ को जो है 3 cm कर देना है, और हाइट को जो है 3.5 cm कर देना है, और रिजोल्यूशन को जो है 300 कर देना है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंच में हो जाता है कभी कभी, तो आप इसको cm जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे और आपका पासपोर्ट साइज में फ़ोटो कन्वर्ट नहीं होगी, नहीं बन पाएगी। और करने के बाद में इस फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिएगा, और फोटो को जो है क्रॉप करने के बाद में एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये फ़ोटो हमारी क्रॉप हो चुकी है। और अब क्या करना है, अब आपको कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लेना है, या फिर आप जाइएगा फाइल पे और न्यू पे आप प्रेस कर दीजिएगा। और प्रेस करने के बाद में आप जिस भी पेज में आप फोटो बनाना चाह रहे हो आप उस पेज को जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको 4:6 में बना के दिखा देता हूँ, 4:6 पेज को मैंने सेलेक्ट किया, और करने के बाद में ओके पे प्रेस कर देना है। और ओके पे प्रेस करने के बाद में ये फ़ोटो जो है हमें इस फोटो को जो है इसमें ला के रख लेना है, एक फ़ोटो को इसमें रख लेना है। और रखने के बाद में अब आपको पहले बॉर्डर लगा लेना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए आप जाइएगा एडिट पे, और एडिट पे जाने के बाद में स्ट्रोक पे आप प्रेस कर दीजिएगा। और स्ट्रोक पे प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप इसका विड्थ जो है जितना देंगे उतना मोटा पतला जो है बॉर्डर लग जाएगा, तो आप देने के बाद में साइज इसको ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद में ये फ़ोटो पे बॉर्डर लग चुका। और अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप जाइएगा विंडो पे, और विंडो पे आने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे हिस्ट्री के जस्ट नीचे होगा एक्शन, तो आपको एक्शन पे प्रेस कर देना है। तो एक्शन पे जैसे प्रेस करेंगे ये एक्शन वाला विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है इसको नीचे खींच लीजिएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैंने कुछ एक्शन पहले से लोड किया है, तो इसको मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा आसानी हो और आप भी समझ जाएँ। और अब आपको जो है एक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो अब जो है यहाँ पर 2 एरो होगा, क्लोज के नीचे जस्ट 2 एरो होगा एक्शन में, आप इस पर प्रेस करिएगा और लिखा होगा न्यू सेट, तो आपको न्यू सेट पे प्रेस कर देना है। और न्यू सेट पे प्रेस करने के बाद में यहाँ पर इसका नेम जो है कुछ भी डाल दीजिएगा, मान लीजिए पासपोर्ट साइज में फ़ोटो बनाना है तो पासपोर्ट डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। और फिर उसी 2 एरो पे जाइएगा, और 2 एरो पे जाने के बाद में यहाँ होगा न्यू एक्शन, तो न्यू एक्शन पे आप प्रेस कर दीजिएगा। और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर पासपोर्ट आप इसका सेट नेम पहले से जो डाले थे वो आ ही गया, और इसका भी ऊपर नाम कुछ दे दीजिएगा। तो ऊपर मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल दिया है, और डालने के बाद में यहाँ पर होगा फंक्शन की, सेट के जस्ट नीचे फंक्शन की होगा, तो यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा जहाँ पर लिखा होगा नन पर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर F2, F3, F4, F5, F6, तो आप इसमें जो है फंक्शन की कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद में चाहे शिफ्ट और चाहे कंट्रोल टिक कर लीजिएगा, और टिक करने के बाद में रिकॉर्ड पे आपको प्रेस कर देना है। तो ये एक्शन हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है, जो यहाँ पर देखिए ग्रीन रेड कलर में जो है आइकॉन बन के आ गया है, इसका मतलब जो है एक्शन हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। और अब इस फोटो को जो है Alt के साथ में अपने माउस का राइट बटन प्रेस करके इसको हम डबल करते जाएंगे, और जैसे हम इधर डबल कर रहे हैं उधर देखिए उधर जो है एक्शन जो है हमारा रिकॉर्ड हो रहा है।
और इसको अप डाउन एरो से जो है आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। और इसको एकदम सेंटर बाय सेंटर रखना, नहीं तो फोटो जो है बराबर से नहीं आएगी। और फोटो को जो है पूरा फिल करने के बाद में देखिए लगभग 4x6 में जो है 4x6 पेज में 12 फोटो बन के रेडी हो चुका है। और अब क्या करना है, अब जो है एक्शन को कर देना है स्टॉप, जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको यहाँ से कर देंगे स्टॉप। तो मैंने एक्शन को स्टॉप कर दिया, अब एक्शन बन के जो है रेडी हो चुका है। और अब इसको अब ट्राई करना है, तो इस फोटो को मैंने पहले हटा देता हूँ, और हटाने के बाद में अब फिर से जो है कंट्रोल एन करके 4x6 पेज को ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद में इस फोटो को जो है लाके इस पे रख देते हैं, और रखने के बाद में पहले बॉर्डर ऑर्डर दे देते हैं। और अब इस एक्शन को हम यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, आप जो है वहाँ पर फंक्शन की कंट्रोल F3 आप प्रेस किए थे, तो कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो फोटो जो है 12 फोटो बनके हमारे सामने कुछ इस तरह का रेडी हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको आप समझ जाएँ पूरी तरह से, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये फोटो जैसे इसमें लाएंगे, लाने के बाद में आप एडिट पे जाइएगा और स्ट्रोक पे बॉर्डर इसको दे दीजिएगा, और देने के बाद में आपको कंट्रोल F3 आपको प्रेस कर देना है। आप जो भी वहाँ से सेलेक्ट किए हों उसको आप वहाँ से कंट्रोल दबाए रहेंगे और उसके बाद में F3 आप प्रेस कर देंगे। तो जैसे प्रेस करेंगे ये देखिए 12 फोटो वन क्लिक में हमारे सामने बना के दे दिया है। तो आप दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आप घंटों का काम जो है आप मिनटों में कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।